नमस्कार, मैं अमोला शील शुक्ला, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी विधानसभा क्षेत्र के रेहटी, सेमरी, बाया और बोर्दी पहुंचे, जहां उन्होंने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने आज तक किसानों को सोयाबीन के भावांतर राशि के पैसे नहीं दिए, गेहूं का बोनस नहीं दिया, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, जिसके चलते किसान परेशान है। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि 11 सितंबर को जिला घेराव और 23 सितंबर के आंदोलन करने का भी ऐलान किया। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं यहां लोगों की समस्या सुनने आया हूं। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार में किसानों को मिलने वाली योजनाओं के लाभ को कमलनाथ सरकार द्वारा बंद करने का भी आरोप लगाया। वहीं किसानों की समस्याओं को लेकर पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। ये दारू भी मार रहा है, ये प्रदेश को लूट के खा रहा है, ये सबसे गलत काम ये एसपी कलेक्टर की पोस्टिंग करवा रहे हैं, वो भी फ्री में नहीं, पता नहीं क्या क्या लेके करवा रहे हैं। ये मैं नहीं, कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के एक विधायक कहते हैं गृह मंत्री के यहाँ, तो मंत्री ने कहा कि उधर बेटे से मिल लो, बेटे के पास गए, वो कह रहे हो जिसका काम था उसको भेजा, डायरेक्ट ले जाते यार, बिना लिफाफे मुफाफे के कुछ नहीं होता, बिना लिफाफा हो जाएगा। ये भी आरोप मैं नहीं लगा, कांग्रेस के नेता लगा। प्रदेश सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर महाराजपुर एयरपोर्ट पर उस वक्त भड़क गए जब उनके साथ नेता प्रतिपक्ष को सीआईएसएफ जवान ने रोक दिया। दरअसल मुख्यमंत्री भिंड जाने के लिए ग्वालियर में ट्रांजिट विजिट पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत करने के लिए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे। जब वो एयरपोर्ट के अंदर जा रहे थे तभी उन्हें वहां तैनात सीआईएसएफ जवान ने रोक दिया। इस पर मंत्री भड़क गए, उन्होंने सीआईएसएफ जवान को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसी तरह मंत्री प्रद्युम्न सिंह को समझा बुझाकर शांत कराया। एक्चुअली मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो सीधा गांव से आ रहा था, मैंने ये भी नहीं देख पाया लिस्ट किसके द्वारा बनाई गई थी। जहाँ तक मेरा अंदाज है अभी तक जो लिस्टें बनती रही हैं तो कायदे से जो हमारा डीसीसी प्रेसिडेंट है उसके हिसाब से बनती है। इस बार की मेरी जानकारी नहीं है किसके किसने बनाई, कैसे बनी, कितने लोग रह गए, कितने नहीं रह गए। यदि अव्यवस्था हुई है तो आगे के लिए इसको हम खुद मॉनिटरिंग करेंगे, खुद देखेंगे। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों से जारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। सीहोर भोपाल में हुई भारी बारिश के बाद पहली बार कालियासोत डैम के 6 गेट खोल दिए गए, वहीं भदभदा के 4 गेट खोलने पड़े। सीजन में ये पहली बार हुआ है जब दोनों डैम के गेट लगातार 24 घंटे खुले रहेंगे। अब तक 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिसके मद्देनजर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। कलेक्टर तरुण पिथोड़ी के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। नदी, नाले, मूर्ति विसर्जन स्थल और निचली बस्तियों का निरीक्षण कर जल भराव की स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं। यहाँ के पार्षद को जिन्होंने की मौके पर पहुंचकर लोगों को मदद पहुंचाई, और हमारा ये प्रयास होगा इस बारे में पीसी शर्मा जी और हम लोग मिलकर मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि भोपाल शहर को झुग्गी मुक्त बनाया जाए और झुग्गी में रहने वालों को पक्के मकान मुफ्त में दिए जाएं, कर्जे वगैरह के इनकी हैसियत नहीं पटाने की, इसलिए मुफ्त में मकान दिए जाएं। इस प्रकार की हमें योजना बनाना है, और जो यहाँ पर प्रशासन को जो निर्देश माननीय मंत्री जी ने दिए हैं उनका अक्षर अक्षर पालन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मंडल बैठक ग्यासरपुर में की गई, जिसमें घंटा नंदा आंदोलन की तैयारी के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया, जिसमें बांसौद ग्यासरपुर विधानसभा प्रभारी मनोज कटारे द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की नाकामियों के बारे में कहा कि सरकार तबादला उद्योग चला रही है, मंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, बिना लिफाफा दिए प्रदेश में कोई भी काम नहीं हो रहा है, विधायक मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं, प्रदेश में अराजकता फैल रही है।
सभी जिला मुख्यालयों पर घंटा नाद आंदोलन की तैयारी के विषय में विदिशा जिले में भी होना है। विदिशा जिले के कार्यक्रम का नेतृत्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा। उसी विषय को लेकर आज ग्यारसपुर में सबको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं और सारे मंडल के हमारे पदाधिकारी, हमारी बूथ कमेटी के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। इन सारी बातों को लेकर 11 तारीख को 2 बजे माधवगंज चौक पर एक विशाल प्रदर्शन होगा। उसके बाद माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अपने दौरे पर डिंडौरी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया को बताया कि 11 सितंबर को कमलनाथ सरकार को जगाने के लिए बीजेपी घंटानाद आंदोलन करने जा रही है, जिसके तहत कलेक्ट्रेट का घेराव करने का फैसला लिया गया है। वहीं राज्य मंत्री ने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा है, जहां वचन पत्र के वादे नहीं पूरे करने के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 9 महीने में कमलनाथ सरकार अपने वचन पत्र में किए गए वादे नहीं निभा पाई है। किसानों के लिए 2 लाख की कर्ज माफी का झूठा आश्वासन वचन पत्र में दिया गया था, जो पूरा नहीं किया गया। प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों, शिक्षक कर्मियों और स्व सहायक समूहों के लिए कोई भी काम नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश ने कोहराम मचा रखा है और इसी वजह से जबलपुर से बरगवी बांध के सभी 21 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट खुलने से जबलपुर संभाग में अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं। पिछले 24 घंटे में 3.5 इंच बारिश हुई है। वहीं खरहनी घाट के पास बारिश का पानी घरों के अंदर आ गया, कई कच्चे मकान जलमग्न भी हो गए हैं। आपको बता दें कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। लगभग 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा हो रही है। अधिक वर्षा होने के कारण नर्मदा जी उफान पर पूरे गेट लगभग खतरे के निशान से बाहर पानी होने के बावजूद शासन ने वहाँ पानी तो खोल दिया, लेकिन नीचे जनता का क्या हाल होगा किसी को कोई पता नहीं। शासन प्रशासन के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। किसी ने अभी तक किसी की आखिर गरीब आदमी का हाल चाल नहीं पूछा। कई लोग डूब कर मरने की कगार पर है। लोगों का सामान, गृहस्थी के घर का सामान सब तबाह हो गया है। शासन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंदौर में छोटा सराफा पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि इंदौर में लगातार बारिश के चलते लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इलाके के छोटा सराफा में मकान नंबर 17 का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया। हालांकि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि इस मकान को पिछले साल जर्जर घोषित कर दिया गया था, उसके बावजूद भी मकान में दुकानें चल रही थी। भिंड जिले के महगांव थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक ट्रक में लूटपाट के बाद हेल्पर को गोली मार दी। वहीं ड्राइवर अपनी जान बचाकर मौके से गायब हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश बिना नंबर की मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। आपको बता दें कि यह वही घटनास्थल है जहां पिछले 3 महीने में इस प्रकार से लूट की यह तीसरी घटना है। स्थानीय लोग इसे पुलिस की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं। दरअसल बदमाशों ने लूट की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब ट्रक ग्वालियर से महगांव की ओर जा रहा था। तभी 2 बाइक सवार बदमाशों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए ट्रक के आगे बाइक लगाकर बीच रास्ते में ट्रक को रोक दिया और हेल्पर के पैर पर गोली मारने के बाद लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। एक ट्रक फर्रुखाबाद से भिंड से ग्वालियर तरफ जा रहा था, खाली ट्रक था, और जब ये बलोही थाना और महगांव के बीच में एक सुनसान जगह पड़ती है, वहाँ 2 मोटरसाइकिल, एक अपाचे और पल्सर मोटरसाइकिल से 4 लोग आए। उसको रुकने का इशारा किया, उसने ड्राइवर ने नहीं रोका तो उसको आगे गाड़ी लगा के उसको रोका। और एक लड़का जो हाथ में कट्टा या कुछ ऐसे कारतूस कुछ लिए था, आर्म्स लिए था, और उसने चढ़ के फायर किया और गाड़ी चलाने वाले की जांग में
गोली मार दी। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र के बेगमगंज गांव में बने फार्म हाउस पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग यहां बैठकर जुआ खेल रहे हैं। पुलिस टीम गठित कर भुट्टे बेचने वाला बनकर फार्म हाउस के अंदर पहुंची, जहां 7 लोग जुआ खेल रहे थे। बताया जा रहा है पकड़े गए आरोपियों में से कुछ प्रॉपर्टी ब्रोकर, कुछ किसान हैं जो ताश पत्ती पर हार जीत का जुआ खेल रहे थे। पकड़े गए आरोपियों से कुल 4,200,000 रुपए, ताश पत्ती और 3 चार पहिया वाहन बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के कारण नदी नाले भी उफान पर हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारी बारिश से मुश्किल में मध्य प्रदेश, लगातार बारिश से पानी पानी हुआ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश बनी मुसीबत। एमपी में कई जगहों पर जल प्रलय। भारी बारिश के चलते बांध हुए लबालब। भोपाल की भी कई निचली बस्तियों में पानी भरा। कहीं सड़कें बनी तालाब तो कहीं स्कूलों में घुसा पानी। खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर नर्मदा। मंडला, नीमच से लेकर रायसेन तक बारिश का कोहरा। राज्य में भारी बारिश के चलते बांध लबालब हो गए हैं और निकासी के लिए गेट खोलने पड़े हैं। बारिश के बाद राजधानी भोपाल सहित 6 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राज्य में बीते 24 घंटों से कहीं रुक रुक कर तो कहीं तेज बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित राज्य के कई हिस्सों में हुई जोरदार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण निचली बस्तियों में पानी भर गया है और आवागमन प्रभावित हुआ है। बता दें, बारिश के बाद राजधानी भोपाल सहित 6 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राज्य में बीते 24 घंटों से कहीं रुक रुक कर तो कहीं तेज बारिश हो रही है। राज्य में भारी बारिश के चलते बांध लबालब हो गए हैं और निकास के लिए गेट खोलने पड़े। जबलपुर में बरगी बांध का जल स्तर बढ़ने पर 21 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन ने नर्मदा नदी किनारे की बस्तियों के निवासियों को सतर्क कर दिया है। वहीं छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा के हर्राई बस्ती में पानी घुस गया है, जिसके चलते हर तरफ जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जहां एक तरफ पूरा मध्य प्रदेश भीषण बारिश से परेशान है, तो वहीं चोरों के लिए बारिश वारदात साबित हो रही है। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने बारिश का फायदा उठाते हुए ब्रज नैनी कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड एक्साइज अधिकारी के घर धावा बोल दिया और सोने चांदी के जेवरात सहित घर में रखी नगदी समेत लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं बताया जा रहा है चोरों ने घर की खिड़की काटकर घर में प्रवेश किया और घर में लोगों के उठ जाने पर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए वारदात को अंजाम दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तलाश में जुट गई है। टीपी गायब। पुलिस में तो फिर फट से जल्दी चले गए। फिर क्या बोले आपने? मैंने कहाँ जॉब करते बोले। मैं बोले पुलिस में थे, ऐसा बोला तो फिर जल्दी चले गए। फिर वो
अच्छा। इनका यूनिफॉर्म वगैरह रहता था ना, ऊपर लटका हुआ है वो यूनिफॉर्म वगैरह, एक साइज का शायद वो देखा है, कैप वगैरह भी थी तो देख ली है शायद। मध्य प्रदेश में शनिवार से जारी हुई बारिश का सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जो कि रविवार को भी जारी रहा। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश ने अब लोगों की परेशानियां बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते भोपाल रायसेन और मंडला में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। भोपाल कलेक्टर ने सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी करते हुए स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी भोपाल में रविवार को 44 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रदेश के आगर मालवा में भी बारिश के चलते स्कूलों और आंगनवाड़ियों में अवकाश घोषित कर दिया है। कलेक्टर संजय कुमार ने लगातार बारिश को देखते हुए सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों को बंद रखने के आदेश दिए हैं, साथ ही स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। धमतरी जिले के कुरुद विकास खंड के रामपुर हलचल पुल मार्ग पर कुरिया नाला पर पुल निर्माण कार्य सेतु निर्माण उप संभाग धमतरी द्वारा किया गया है, जिसकी लागत 8,49,00,000 बताई जा रही है, लेकिन बारिश ने निर्माण की गुणवत्ता कार्य की पोल खोल दी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण कार्य में विभाग व ठेकेदार द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य कर शासन के पैसे का जमकर बंटर बांध किया गया। निर्माण कार्य को अभी 6 महीना भी नहीं हुआ और पुल अभी से जगह जगह धंसना शुरू हो गया है। वहीं पुल के निर्माण में मोरंग और सीमेंट की जगह पर मिट्टी का प्रयोग किया गया है, जिसके चलते बारिश में पुल की सच्चाई सबके सामने आ गई है और जल्द ही पुल के जर्जर हो जाने की संभावना बताई जा रही है। छिंदवाड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही वह बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए हैं। जब्त हथियारों में 14 पिस्टल और 2 रिवॉल्वर समेत कारतूस शामिल हैं। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की गई है। नगर निरीक्षक छिंदवाड़ा के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम ने अवैध हथियारों के तस्करी को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से पुलिस ने 22 अवैध हथियार जब्त किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को खिलाफ मामला दर्ज करके जेल भेज दिया है और ये पता लगाने में जुट गई है इन हथियारों की तस्करी कहां कहां से की जा रही है। नसरुल्लागंज क्षेत्र में आगामी त्योहारों की पुख्ता इंतजाम के मद्देनजर ग्राम लंडकुई में पुलिस प्रशासन ने दल बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में लंडकुई चौकी से प्रारंभ होकर ग्राम के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः चौकी पहुंची। वहीं फ्लैग मार्च के दौरान सभी को आपसी प्रेम व्यवहार बनाए रखने का संदेश देते हुए प्रशासन ने अराजक तत्वों को गलत गतिविधियों के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की हिदायत दी है। फ्लैग मार्च के दौरान अनुविभागीय अधिकारी प्रकाश मिश्रा के साथ कई थानों का भारी पुलिस फोर्स रहा। इंदौर शहर में कांग्रेस नेता का चालान कटने के बाद रौब झाड़ने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करवाने की धमकी दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से नेता को भिड़े देख वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर और नेता के बीच जमकर बहस हुई। दरअसल इंदौर एयरपोर्ट के सामने वाहन चेकिंग के दौरान कांग्रेस नेता की भिड़ंत पुलिस के लोगों से हो गई। सब इंस्पेक्टर उज्मा खान, सिपाही आशीष सोनी और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ वहां चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक बाइक चालक का हेलमेट नहीं होने पर चालान कट गया। बाइक चालक ने फोन कर वहां कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह यादव को बुला लिया, जिसके बाद दोनों ही लोगों में जमकर नोकझोंक होती रही। और तो और ये बात इतनी बढ़ गई कि मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और मंत्री आरिफ अकील का नाम भी बीच में आ गया और दोनों ही अपना अपना दमखम दिखाते नजर आए। आपको तमीज है? आप मोबाइल पे भी कैसी बात कर रहे थे? क्यों कर रहे हो? अरे सूर्य से आप बात कर रहे थे, आपको तमीज है? कैसे मैडम वकील जी की बत्ती थी? मैडम का कहा बोला तुमने सस्पेंड का?
आपने कैसे बोला कि आपने किस तरीके की बात करी? आपने तो आपसे बात ही नहीं, आप यहाँ वसूली कर रहे हो अवैध, यहाँ खड़े होके 10 शिकायतें आपकी सोनी जी, हाँ आपकी 10 शिकायतें, 10 शिकायतें हैं आपकी, 10 शिकायतें हैं आपकी, बिल्कुल आपकी 10 शिकायतें हैं, आपकी 10 शिकायतें हैं आपकी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।